हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात कोण किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। द्विघात कोण किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामयोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं। पृथ्वी तल की किसी स्थान पर चुंबकीय यामयोत्तर एवं भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विघात कोण कहते हैं। एक बार और शुरू से देख लीजिए, द्विघात कोण किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामयोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामयोत्तर एवं भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विघात कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया द्विघात कोण किसे कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।